वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं अंशिका सारडा और आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। अमेरिकी सिंगर निक जोनस से शादी के बाद लगातार सुर्खियों में बनी रहने वाले प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर चर्चा में आ गई, लेकिन इस बार अपने अजीबोगरीब पहनावे की वजह से। दरअसल सिल्वर कलर के कॉस्ट्यूम और क्राउन के साथ प्रियंका चोपड़ा मेट गाला पे पहुंची थी। उनके लुक को लेकर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल भी करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार लग गई। प्रियंका चोपड़ा के अलावा दीपिका पादुकोण और ईशा अंबानी पीरामल भी इस इवेंट में पहुंची थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा प्रियंका चोपड़ा की ही हो रही थी। प्रियंका पहले भी मेट गाला में इसी तरह के अजीबोगरीब पोशाक में पहुंच चुकी है। क्या होता है मेट गाला और क्यों सेलिब्रिटीज इसमें इतने अजीबोगरीब कपड़े पहनकर आते हैं, आइए जानते हैं। मेट गाला 2019 का आयोजन हर साल की तरह इस बार भी न्यूयॉर्क में किया गया था। इस गाला का आयोजन फंड जुटाने के लिए किया जाता है। इसका आयोजन पिछले काफी सालों से किया जा रहा है। दरअसल साल 1948 में मिस्टर लैम्बर्ट ने कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट खोला था। इसे चलाने के लिए फंड की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। मेट गाला को देखने के लिए लोगों को टिकट खरीदनी होती है। अगर आपको मेट गाला का टिकट चाहिए तो इसके लिए आपको $30,000 यानी कि करीब 20,11,000 रुपए खर्च करने होते हैं। अगर आपको इस इवेंट में टेबल बुक करवानी है तो इसके लिए आपको $2,75,000 यानी कि करीब 2.25 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इस इवेंट में जितना भी पैसा इकट्ठा होता है वो कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट को जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फंड की बात तो ठीक है, लेकिन इस इवेंट में इतने अजीबोगरीब कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो जरा सोचिए कि कुछ अलग नहीं होगा तो लोग इस इवेंट को देखने के लिए इतना पैसा क्यों देंगे? हर साल मेट गाला का आयोजन एक थीम पर होता है। इस साल इसकी थीम थी नोट्स ऑन कैंप। इस थीम का एक मतलब समझाया जा सकता है कि आप यहाँ अपनी ड्रेसिंग की सीमाओं को तोड़िए और वो कहिए जो आप कहना चाहते हैं, जिसका मतलब ड्रेसिंग की बाउंड्रीज को तोड़ने से है। इस इवेंट में सेलिब्रिटीज अपनी मर्जी से कपड़े चुनते हैं और कोई सेलिब्रिटी अगर किसी ब्रांड की तरफ से आता है तो उसे उस ब्रांड के ही कपड़े पहनने होते हैं। कैंप थीम के कारण ही प्रियंका ने ऐसे कपड़े पहने थे जिसमें उन्होंने जताया कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन उनके लिए फैशन का मतलब यही है। इस इवेंट में प्रियंका चोपड़ा ही नहीं बल्कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी अलग अलग तरह की पोशाक पहनकर पहुंचे थे। एक्टर माइकल यूरी ने तो ऐसा ड्रेस पहना था जिसमें एक तरफ गाउन था और दूसरी तरफ कोट पैंट। वहीं निक जोनस ने सफेद रंग का एक कोट पैंट पहन रखा था, लेकिन उनके कानों में जो ज्वेलरी थी वो आमतौर पर लड़कियां पहनती है। इसके अलावा निक जोनस ने सफेद सोने से बनी हुई एक महंगी घड़ी भी पहन रखी थी। मेट गाला में पहुंची लेडी गागा ने तो फोटोग्राफर्स के सामने ही कपड़े भी बदल लिए। कैटी पेरी, कार्डी बी और बाकी सेलिब्रिटीज भी अलग अलग तरह की पोशाकों में नजर आई। इवेंट में प्रियंका चोपड़ा ने डायोर का सॉफ्ट पेस्टल गाउन पहना था, तो वहीं दीपिका पादुकोण बार्बी लुक में बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। मेट गाला ही वो इवेंट था जहां पर प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस पहली बार मिले थे। इस बार भी दोनों इस इवेंट में एक साथ पहुंचे, लेकिन प्रियंका को इंडिया में उनके लुक को लेकर जमकर ट्रोल किया गया। लोग सबसे ज्यादा मजाक उनके मेकअप और हेयर स्टाइल यानी कि उनके बालों का उड़ा रहे थे। किसी ने उनके बालों को चिड़िया का घोंसला बता डाला तो किसी ने वीरप्पन की मूंछे। लेकिन प्रियंका अपने इस लुक को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट थी। उन्होंने अपने तैयार होने का एक वीडियो भी पोस्ट किया। प्रियंका का मेकअप लीक से हटकर था, इसलिए लोगों ने उन्हें दीपिका से सीख लेने की भी सलाह दी। लेकिन आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा पिछले कई सालों से इस गाला का हिस्सा बनती आई हैं। पिछली बार तो उनकी ड्रेस को पकड़ने के लिए एक व्यक्ति अलग से उनके साथ था।
इस पर भी प्रियंका चोपड़ा खूब ट्रोल हुई थी। लोगों के कमेंट्स की चिंता किए बिना प्रियंका हर बार गाला में एक नए अंदाज में पहुंचती है। उनका ये कॉन्फिडेंस वाकई काबिले तारीफ है। मेट गाला के इवेंट से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ ही इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com।